हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज रोल एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या रोल होते हैं और क्या फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला है रूटीन फंक्शन एंड अनदर वन इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। रूटीन फंक्शन यानी कि क्या, तो रूटीन फंक्शन को हम इंसिडेंटल फंक्शन भी बोलते हैं। इंसिडेंटल फंक्शन का मतलब होता है मेन फंक्शन वो क्लरिकल इन नेचर होता है। रूटीन फंक्शन जो होता है वो क्लरिकल इन नेचर होता है। क्लरिकल इन नेचर यानी कि क्या, तो क्लरिकल नेचर मतलब जिसमें टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और ये जो रूटीन फंक्शन होता है ये आपके सेकेंड वन एग्जीक्यूटिव फंक्शन को हेल्प करता है। अगर आपको एग्जीक्यूटिव फंक्शन बनाना हो तो उस चीज के लिए आपके पास पहले रूटीन फंक्शन की इंफॉर्मेशन होना जरूरी होती है। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन के ऊपर। एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिसीजन लेना है, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ये सारे जो डिसीजन होते हैं, फंड को कहां से मोबिलाइज करना है, उसे कहां पे यूटिलाइज करना है, ये सारे जो डिसीजन होते हैं ये डिसीजन आपके टॉप मैनेजमेंट द्वारा लिए जाते हैं, जिसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कहते हैं। अब बात करते हैं रूटीन फंक्शन एग्जीक्यूटिव फंक्शन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से याद हो जाए इसके लिए कोड है राम ने स्पेशल एसी ईएमआई पे ली। राम ने स्पेशल, ये जो कोड है ये है रूटीन फंक्शन के लिए, और एसी ईएमआई पे ली ये जो कोड है ये है एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए। राम, R for record keeping and reporting, A for assisting finance executive, M से दो है, पहले M से maintaining custody of security and other valuable documents, दूसरे M से है management of cash balance, ने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। स्पेशल में एस और पी, एस से सुपरविजन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, पी से प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे आपका कोड का मतलब खत्म होता है। डिटेल में अगर मैं जाऊँ कि रूटीन फंक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो मैंने पहले ही बताया था रूटीन फंक्शन जो होता है वो क्लरिकल इन नेचर होता है और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। अगर आप ये रूटीन फंक्शन ना करें तो आप एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं कर सकते हो। क्लरिकल इन नेचर कैसे पता चलता है, तो रिकॉर्ड कीपिंग क्लरिकल इन नेचर है। टॉप मैनेजमेंट का कोई भी बंदा रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग पे इतना ध्यान नहीं देता। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी क्लरिकल इन नेचर होता है। टॉप मैनेजमेंट किसी भी कंपनी का सीईओ या डायरेक्टर आके आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद है कैश बैलेंस को मेंटेन करना, क्लरिकल इन नेचर। कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट को सुपरवाइज करना, आप किसे पेमेंट कर रहे हो, किसे पेमेंट रिसीव कर रहे हो, ये बराबर है कि नहीं, बराबर से आप इसको रिकॉर्ड करते हो कि नहीं। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन की। एग्जीक्यूटिव फंक्शन में जो था एसी ईएमआई पे ली, ए फॉर एलोकेशन ऑफ सरप्लस, सी फॉर चेकिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ई से दो चीजें एस्टिमेट कैश फ्लो, एस्टिमेट कैपिटल रिक्वायरमेंट। ए सी ई एम आई, एम फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, आई फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पे ली इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं। अब आते हैं डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो एलोकेशन ऑफ सरप्लस, आप सरप्लस को किस तरीके से एलोकेट करते हो, किस तरीके से डिस्पोज करते हो। तो सरप्लस को डिस्पोज करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको डिविडेंट, शेयर होल्डर को डिविडेंट दे दो और ख़त्म कर दो, या तो उसमें से कुछ पार्ट अपने पास रख लो जिसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, जो आपको फ्यूचर के इवेंट में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ करना है, फ्यूचर में एक्सपांड करना है, तो आप उस वक्त रिजर्व एंड सरप्लस में जो फंड अवेलेबल है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपको हमेशा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते रहना चाहिए। इन फ्यूचर आपको एक्स्ट्रा फंड की जरूरत है या एक्स्ट्रा फंड की जरूरत नहीं है, अगर आपको एडिशनल फंड की जरूरत है तो आप उसको किस तरीके से रेज करने वाले हो, बोरोड फंड से, इक्विटी फंड से, और बोरोड फंड से भी करने वाले हो तो आप कहां पे जाओगे जहां पे लो कॉस्ट है। तो एस्टिमेट करना, चेक करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। फिर बात आती है एस्टिमेट कैश फ्लो, आप कैश फ्लो को एस्टिमेट कर लो कि कितना कैश फ्लो इनफ्लो होने वाला है, कितना आउटफ्लो होने वाला। इनफ्लो यानी आपको कितने पैसे आने वाले, सेल्स, जैसे कि आप सेल्स करोगे तो आपको कितने पैसे आएंगे। आउटफ्लो,
कितने पैसे आपके यहाँ से जाएंगे, जैसे कि आप पेमेंट करते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो, आप सैलरी भरते हो, आप सप्लायर को पे करते हो, तो कितने पैसे आपके आउटफ्लो होने वाले, इनफ्लो यानी आना, आउटफ्लो यानी जाना। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड का मतलब होता है रेजिंग ऑफ फंड, सही जगह से सही कॉस्ट पे रेज करना, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इन्वेस्टमेंट ऑफ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फंड आपने मोबिलाइज तो कर लिया, आप वहां उसे यूटिलाइज किधर करोगे, कौन सा ऐसा सही जगह है जहां पे आप फंड को यूटिलाइज कर सकते हो, जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रेज हो सकती है। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, फंड को मोबिलाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम ये चीजों का, इस चीजों का ध्यान जरूर रखें कि आप जहां पे भी फंड को इन्वेस्ट कर रहे उसके साथ प्रोडक्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए, फंड में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर मैं फंड को 100 रुपए के फंड को अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इंक्रीमेंट होके या तो वो 110 होना चाहिए या 120 होना चाहिए, ना कि 85 पे या तो 75 पे आ जाए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त मुझे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, फंड जो फ्लो होता है ये नॉर्मली सेल्स के थ्रू होता है, उस फंड को मैं या तो फिक्स कैपिटल के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ या तो वर्किंग कैपिटल के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ। फिक्स कैपिटल में जब भी मैं यूटिलाइज करता हूँ तो मेरा जो पर्सपेक्टिव होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, और जब मैं वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करता हूँ तो मेरा जो पर्सपेक्टिव होता है ये शॉर्ट टर्म होता है। फिक्स कैपिटल के लिए यूज करना यानी लैंड परचेस करना, मशीनरी परचेस करना, बिल्डिंग परचेस करना। वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करना यानी डे टू डे एक्टिविटी का एक्सपेंडिचर को पे करना, सैलरी पे करना, सप्लायर को पेमेंट करना। फिक्स कैपिटल के लिए मैं नॉर्मली बैंक से लोन लेता हूँ, डिबेंचर्स इशू करता हूँ, पब्लिक डिपॉजिट लेता हूँ। और वर्किंग कैपिटल के लिए या तो मैं सप्लायर से एडवांस ले लेता हूँ या तो मैं बैंक से एडवांस ले लेता हूँ। इसी के साथ सेकेंड क्वेश्चन होता है खत्म। अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। प्लानिंग, प्लानिंग यानी कि क्या, प्लानिंग यानी कि कोई भी चीज़ को वेल इन एडवांस सोच कर रख लेना कि ये काम आप किस तरीके से और कब करने वाले हो। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग यानी ये एक प्रोसेस है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड सोर्स ऑफ फंड। फाइनेंशियल प्लानिंग ये एक प्रोसेस होता है, वेल इन एडवांस सोच कर रख लेना कि आप फंड को कहाँ से रेज करने वाले हो, कहाँ से मोबिलाइज करने वाले हो और उसे कहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है ये अपने आप में तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन दी ड्यूरेशन, जो कि शॉर्ट टर्म फर्स्ट, शॉर्ट टर्म सेकेंड, मीडियम टर्म और थर्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान। शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल प्लान होता है ये नॉर्मली 1 साल के लिए होता है, मैक्सिमम फॉर 1 ईयर, और मीडियम टर्म प्लान जो होता है ये फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर्स के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो होता है ये 5 साल से ज़्यादा के लिए होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान जो होता है वो 1 साल से कम के लिए होता है, और नॉर्मली हम लोग ये वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी सैलरी पेड करने के लिए, सप्लायर को पेमेंट करने के लिए, या ऐसे किसी डे टू डे एक्टिविटी के लिए, पर्चेस ऑफ स्टेशनरी, ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल को यूज करते हैं, जिसे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी कहते हैं। मीडियम टर्म फाइनेंस ये 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए होता है, इसमें हम वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज कर सकते हैं और कभी कभी हम ये फिक्स कैपिटल के लिए भी यूज करते हैं। वर्किंग कैपिटल तो आपको समझा, फिक्स कैपिटल मीडियम टर्म में हम कब फिक्स कैपिटल को यूज करेंगे, जैसे कि कोई मशीनरी है अभी उसे रिप्लेस करना है, मशीनरी खराब हो गई या मशीनरी में कुछ डिफेक्ट आ गए जिसकी वजह से अभी उसे रिप्लेस करना है, तो उसके लिए मैं वो मीडियम टर्म फाइनेंस को भी यूज कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म फाइनेंस ये नॉर्मली फिक्स कैपिटल के लिए यूज किया जाता है, और ये जो कैपिटल है ये 5 साल से ज्यादा के लिए होता है। फिक्स कैप, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो परचेस ऑफ लैंड, परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो यहां पे ये बात आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 से 10 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें 10 पॉइंट है, अगर 5 मार्क के लिए तो कम से कम 6 से 7 पॉइंट या तो ज्यादा से ज्यादा 8 पॉइंट लिखना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, एस्टिमेट ऑफ कैश फ्लो। पहले भी बता चुका हूँ कैश फ्लो जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, आउटफ्लो और इनफ्लो। आपका जो इनफ्लो होता है वो नॉर्मली सेल्स पे डिपेंड करता है, आप जितना ज़्यादा सेल्स करोगे उतना ज़्यादा आपको इनफ्लो होगा,
और आपका जो आउटफ्लो होता है ये डिपेंड करता है आप कितने टाइप के पेमेंट करते हो, कितने लोगों को सैलरी पेड करते हो, कितने बिल्स पे करते हो, रेंट क्या पे करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट जो है वो रेजिंग ऑफ फंड है। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि अगर आपने मोबिलाइज सही जगह से नहीं किया, सही कॉस्ट पे नहीं किया, तो ये जो आपकी कंपनी का कॉस्ट है ये इंक्रीज कर सकता है, खास करके वो इनिशियल स्टेजेस पे और लास्ट टाइम पे, जब भी आपको एकदम लास्ट टाइम है और आपको फंड की जरूरत हो गई और उस वक्त पे आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की और आप कहीं से भी जाकर अगर फंड रेज करना चाहोगे तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, एलोकेशन ऑफ फंड। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो आता है एलोकेशन ऑफ फंड। आप फंड को किस तरीके से एलोकेट करते हो, कौन से एक्टिविटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड देते हो और कौन से एक्टिविटी को आप कम फंड देते हो। एलोकेशन ऑफ जो फंड होता है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, ए अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, बी इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी और थर्ड मैनेजमेंट फिलोसॉफी। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड का मतलब होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा फंड अवेलेबल है तो आप ज़्यादा हर एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड कराओगे। सेकेंड आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी। आप हमेशा एलोकेशन ऑफ फंड करते टाइम, फंड को एलोकेट करते टाइम आप हमेशा ध्यान देते हो कि कौन सी एक्टिविटी आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखती है। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ कोई भी प्रोडक्ट जो अभी बस इनिशियल स्टेज पे और ग्रोथ होने वाला है, तो ऐसे वक्त में मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कि जो मेरे कस्टमर है वो मेरे प्रोडक्ट को लेके ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाए। तो ऐसे वक्त में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड को एलोकेट करूँगा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज़्यादा एलोकेट करूँगा, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर सके पब्लिकेशन पे। और थर्ड पॉइंट जो आता है सी पॉइंट, मैनेजमेंट फिलोसॉफी। मैनेजमेंट फिलोसॉफी जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। अगर आपके मैनेजमेंट की फिलोसॉफी ट्रेडिशनल है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फंड एलोकेट नहीं करेंगे, पर आपके मैनेजमेंट की फिलोसॉफी जो है वो मॉडर्न है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को इनोवेटिव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन उनकी उसकी बेहतरीन करेंगे, इसके हिसाब से आपका फंड एलोकेट होता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ फंड। फंड को आपने मोबिलाइज तो कर लिया, आपने एलोकेट भी कर दिया, अब बात आती है उस फंड को आप किस तरीके से यूज़ करते हो। आपका जो फंड है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूज़ होना चाहिए। आपके फंड में हमेशा जो आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल प्लान करते हो तो आप फंड को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हो। पॉइंट नंबर फिफ्थ, फैसिलिटेटेड कॉस्ट कंट्रोल। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखी है तो आपके पास एक बजटेड कॉस्ट ऑलरेडी अवेलेबल होगा, उसके बाद आपके पास एक्चुअल कॉस्ट होगा, आप उसको कंपेयर कर सकते हो। अगर आपका एक्चुअल कॉस्ट जो है वो बजटेड कॉस्ट के ऊपर जा रहा है तो आप उसके लिए एक नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हो, पर ये तभी मुमकिन है या पॉसिबल है जब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है तो आप बजटेड कॉस्ट से बहुत आगे चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, जो आपके बिजनेस के लिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही बात नहीं है और आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अगर आपने फंड को सही तरीके से मोबिलाइज किया है, उसको सही तरीके से अप्लाई किया है, प्रोडक्टिव पर्पज के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपका जो प्रॉफिट लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपने अपना प्रॉफिट लेवल इंक्रीज किया है तो एवरी ईयर आप कुछ ना कुछ पार्ट अपने प्रॉफिट में से निकाल के रिजर्व में जमा करोगे, जिससे कि आप इन फ्यूचर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए उसको यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, जनरेट हायर प्रॉफिट। अगर आपने फंड को सही तरीके से मोबिलाइज किया और सही जगह पे अगर आपने उसको अप्लाई किया है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखी है तो आप इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल के मेजर्स भी ले सकते हैं। आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए किस किस तरीके के मेजर्स ले सकते हैं, इसमें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट बात आती है गुडविल की। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखी है तो आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को ये इंक्रीज करता है, जिससे कि इस सब का फायदा आपके स्टेक होल्डर को मिलता है। स्टेक होल्डर यानी क्या? स्टेक होल्डर यानी आपके शेयर होल्डर, आपके एम्प्लॉई, आपके आपका गवर्नमेंट और आपके सप्लायर। सब शेयर होल्डर और सब चीज़ों को, ऐसा कोई भी बंदा जिसका कंपनी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, अगर आप उसको इंक्लूड कर लेते हो तो फिर जो बनता है उसे हम कहते हैं स्टेक होल्डर। आपका आने वाले मार्केट में या जो करेंट मार्केट में उसमें आप अपने रेप्यूटेशन को इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आती है मोटिवेशन टू एम्प्लॉई।
अगर आपकी कंपनी ने परफॉर्म अच्छा कर रही है, आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस मेजर्स जो है वो अच्छा हो रहा है, तो इससे आपके एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलती है। एम्प्लॉय को मोटिवेशन देने के लिए या तो आप उनको मॉनिटरी इंसेंटिव्स दे सकते हो या तो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। मॉनिटरी इंसेंटिव्स यानी इन कैश आप उनको सैलरी बढ़ा दो, उनको बोनस दे दो, उनके वेजेस को इंक्रीज कर दो, या नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स में आते इन काइंड, आप उनको गिफ्ट दे दो या आप उनको ट्रैवलिंग कंसेशन दे दो, आप कुछ भी दे सकते हो अदर देन कैश। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हायर रिटर्न टू शेयर होल्डर। अगर आप फंड को सही तरीके से मोबिलाइज करते हो, सही तरीके से आप उसको यूटिलाइज करते हो, आप प्रॉफिट जनरेट करते हो, आपके गुडविल को, आप रेपुटेशन को अगर आप इंक्रीज करते हो, तो इसका इनडायरेक्टली फायदा आपके शेयर होल्डर को मिलता है। मार्केट में आपके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, शेयर होल्डर का वेल्थ मार्केट में इंक्रीज।